हेलो भाई, अरुण पवार एंट्री खड़ा हुआ एंट्री गाँव में। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे, देखिए आप कितना अच्छा सा लग रहा है। लेकिन आज हमको और अभय भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पाछे लिए कितने दिन हुए भाई, मार्च में तो ली थी, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हुए हैं। मैंने आकाश से बोला भाई टीवीएस की अपाचे मतलब राइडर ले ले यार, इतनी भारी भरकम बाइक हम क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर चली है मेरे ख्याल से अभी तक ये, इसका क्या करे पर यार इतना दिमाग खराब भाई कि इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आकाश तो बीमार पड़ा है भाई। अभी ये देखो हमने लॉक कर दी थी, हम कहीं पे आए थे, अभी हम खुल ना रहा। अब इसमें देखो भाई, देखो चाबी भी इसी की है एकदम ओरिजिनल। हाँ पता नहीं क्या है, क्या बना रहे हो यार अपाचे वालों, ना तुम्हारी सर्विस अच्छी रहती, मतलब इतने छोटे से कमरे में इनकी वो होती है सर्विस सेंटर। देखना सुना हो रहा है, ये पता नहीं क्या है। ढंग से कर, भाइयों को ट्रस्ट नहीं होगा ना अपाचे वालों को। सीधी करिए, एक बार सीधी करके कर। आधे घंटे से लग रखा है भाई, जब सर से ऊपर पानी चला गया ना तब हमने कहा कि यार लोगों को बताते, क्योंकि मेरे पास एक भाई का वो आया था मेल कि भाई इसका भी थोड़ा बहुत बता दो कि ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आपके सामने है, मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगा, ये बेकार है यार। ये कर ना, मतलब क्या करें, अब हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है कोई, तोड़े इसको क्या करना है। कैसे टूटेगा भाई, लोहा कैसे थोड़ा टूटता है। थोड़ा हिला डुला के देखिए, कुछ हो ही ना रहा इसमें। तो देखो गाड़ियों का तो पता है, मतलब हम रोड साइड असिस्टेंस वगैरह बुला सकते हैं। अब इसका क्या करें, वो आएंगे कि इसको लेने आ जाएंगे, वारंटी वगैरह में अभी तो ये। अरे यार बड़ी दिक्कत वाली बात है ये तो। अब भाई अब क्या करें बता ना। मैं क्या बताऊं अब। भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, छोड़ मैं जा रहा हूँ पैदल ही घर, दूसरी लेके आऊंगा पैदल। फिर इसको इसको कैसे लेके जाएंगे, टोइंग करके। तो टोइंग कैसे होगी भाई, लोग तो लग रहा है। अरे यार सुबह भी चल तू पैदल पैदल जा इतने, ठीक है दूसरी लीवो लिया लीवो लिया। अरे चला जा नहीं होगी, ऐरा अब है कि एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। नहीं यार भाई, इसमें मैं प्रॉब्लम्स बताऊं आपको, बहुत आवाज़ करती है चू चू की सी आवाज़, कभी इसका वो ब्रेक मारो तो अपना वो वाली आवाज़ आने लग जाती है चू 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 चू। बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके साथ, आकाश को ज़्यादा पता, मैं तो बाइक्स बहुत कम चलाता हूँ। अभी पस्ते पस्ते हो गई हम लोगों को भाई रात, और अब क्या लाया है, कहाँ है अपना वो तेल, हम घर से लेके आए इसके लिए तेल। भाई नहीं हो रही कुछ भी, कुछ ना हो रहा है, पता नहीं क्या है। कहाँ पे वो तेल है, तो ग्लास कहाँ गया अपना, दिखा दो तेल तो दिखा दे। ये रहा सरसों का तेल। चल अब इससे, पर यार इसमें चाबी का थोड़ी मेन इशू है, कुछ अंदर से हुआ लगता है मेरे को तो, जहाँ से भी हुआ हो बस अभी आज तो पहुँच जा कैसे भी यार, वरना इसको लेके कैसे जा सकते हैं। डाल देना अरे हमारी लीवो है यार, आज तक कोई दिक्कत ना यार, उसको 6-7 साल हो लिए। अरे एक इनको देखो, हाल तो ड्रामे इन बाइकों के यार, हट। इतना तेल डाल दिया यार, मतलब हाँ क्या है ये। तो इसमें इस यहाँ से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, नीचे तो से अंदर भी तो डाल दिया, देख की में कितना तेल लग गया। की तो अच्छे से जा रही है, हाँ की तो अच्छे से जा रही है। खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई। यू कैसा, एकदम मैजिक कैसे हो गया बताना यार। हैंग गॉड भाई। ओ भाई एकदम रिएक्शन देखा वह का आपने। अरे यार तो फिर लॉक कर दी। अरे अब थोड़ी होगा यार, क्यों ना होगा भाई, ये ऐसे ही हो जा रहा। सुबह भी एक बार मेरे साथ हुआ था, जब खुल गया मुझे लगा कि चलो हो जाएगा, फिर तू आके लॉक करे, तब देख कितना परेशानी हुआ हमें, हम भी नहीं तो 2 घंटे से पच रहे इसमें। भाइयों ये खरीदना है ना, ये सोच समझ खरीदना, मैं रिकमेंड नहीं करता यार ये सब, इसकी छोटी छोटी चीप चीप हरकतों की वजह से। अब मान लो हमारे पास कहीं तेल नहीं होता, तो तेल तो हर चीज़ में अच्छा रहता ही है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास तेल कहीं नहीं मिलता हमको, तो हम क्या करते इस बाइक के साथ, क्यों भाई हैं, कुछ भी हो सकता है जैसे रात के टाइम पे जंगलों में। अच्छे कंपनी से इंश्योरेंस लेके देखना, फिर हमको ऐसे ही बैठना पड़ता है यहाँ पे। अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस है, रोड साइड असिस्टेंस। चलो भाइयों शुक्रिया हो गया। अरे भाइयों सुनो, जिन भाइयों को मेन वीडियो से कल की वीडियो से नंबर मिल गया ना, कृपया करके मत वो करो भाई, और आज मॉर्निंग का दिन है। आकाश आप बताइए क्या कंप्लेंट बता रहे थे आप इसमें। मैं कह रहा था इसका स्टीयरिंग टाइट हो गया। अब आप मेरे को बताइए, आपको इस बाइक को खरीदने के बाद कब कुछ रिग्रेट होता है, जैसे कल हमारे साथ इंसिडेंट हुआ।
अरे यार वो तो देखो नॉर्मल सी चीज है, वो तो किसी में भी हो जाएगा, ठीक है। वो तो तेल ना होता हमारे पास तो हम क्या करते। हाँ बता, तू प्रॉब्लम बताना क्या है इसके अंदर। तो तुम इसे थूक डालते। बताना कोई प्रॉब्लम, स्टीयरिंग टाइट हो गया, आवाज आती है चू चू चू। हाँ वो डिस्क पे चू चू की आवाज आती है इसमें। अच्छा, पीछे स्टीयरिंग थोड़ा टाइट हो गया है। न्यू से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते अबे। ना बिल्कुल नहीं यार, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यार ये वाली बाइक। इसको बेच के बुलेट ले लेते हैं। नहीं यार, बुलेट तो बेकार है, बुलेट तो बिल्कुल नहीं। तो क्या R15 ले ले, राइडर ले ले। और इसका ना टर्निंग रेडियस भी बहुत गंदा है। हाँ यार, होंडा शाइन ले लेते हैं 110 हैं। सीटी सोना ले लें क्या? सीटी वो टीवीएस का विक्की आता है उसमें हम तीन भी बैठ जाया करेंगे जिससे हम बैठे होंगे, फिर उसमें सामान भी बेच देंगे। सही है सही है, सही कह रहे हो, एकदम सही कह दी।